guys, in today's video of the essay, I'm telling you about time complexity and big O notation when bit notes. Okay, and please like this video, share a friend, and subscribe to my channel, and do not forget to all the notification bell. So now I do not take you a long time. So let's move to the computer screen and let's see what is time complexity and big O notation. So now let's move to the computer screen and let's do a coding with laughing. So now let me tell you what is time complexity and big O notation. So like I am giving you a one problem. जैसे कि मैं आपको एक problem देता हूँ. An analog to a real life issues. एक morning में मुझे कुछ eat करना है. मैंने सोचा चलो एक हम eat करते हैं एक pizza. तो मैंने अपने भाई से पूछा कि means from मेरे लिए ऑर्डर कर दो पिज्जा डोमिनोज से, कोई से भी कंपनी से जो आपसे 3 किलोमीटर के दूरी पे है, 3 किलोमीटर अवे, और इसको चाहिए पिज्जा. ही गॉट मी द पिज्जा और से दिला दिया उसको पिज्जा, एंड आई वॉज हैप्पी. वो बहुत हैप्पी था, और ओनली टू रियलाइज इट वॉज 2 लीटर फॉर 29 फ्रेंड्स. वो बहुत छोटा सा पिज्जा था 29 फ्रेंड्स के लिए. कौन से फ्रेंड्स के लिए? 29. Who came to my house for a surprise visit? फिर उसके कोई हाउस आया सरप्राइज विजिट के लिए. माय जो मेरा ब्रदर था उसने गेट की 2 पिज्जा फॉर मी ऑन हिज बाइक. उसने लिए 2 पिज्जा उस अपने भाई के लिए, वो भी अपने बाइक पे गया था. बट पिज्जा फॉर 29 फ्रेंड्स इज टू ह्यूज ऑफ एन इनपुट फॉर हिम. जो 2 पिज्जा 29 फ्रेंड्स के लिए बहुत ह्यूज है और इनपुट फॉर हिम विच ही कैन नॉट हैंडल, जो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. जैसे कि एक डायग्राम है, ये आप देख सकते हो, जैसे कि एक डायग्राम है 2 पिज्जास, ओके नॉट अ बिग डील. 68 पिज्जास दैट नॉट पॉसिबल इन द शॉर्ट टाइम. मतलब 2 पिज्जा है ना, ये कोई बिग डील नहीं है. 68 पिज्जा ये इम्पॉसिबल है, वो भी इतने कम टाइम में. तो अब हम जानते हैं कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है. व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक स्टडी ऑफ एफिशिएंट ऑफ एल्गोरिदम है, जो आपको बताता है कितना टाइम लेगा वो भी एल्गोरिदम प्रोसेस करने में और प्रोसेस अ गिवन इनपुट. अगर आपने लिखा 2+2 तो वो कितना टाइम देता है आपको उसका इनपुट देने में, ये एक तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है. चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं एक इसका कॉन्सेप्ट, वो भी हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देता हूं मैं, उसके थ्रू आप समझते हैं. कंसीडर करें कि 2 डेवलपर्स हैं, एक का नाम रयान है एक का नाम रोहान है, जो क्रिएट कर रहे हैं एक एल्गोरिदम, वो भी शॉर्ट एंड के नंबर्स इंपिडेंटली. तो मैंने मेक किया एक प्रोग्राम और रन किया उसको सम इनपुट साइज में एन. द फॉरेन रिजल्ट आर वर रिकॉर्डेड और ये आपके रिकॉर्डेड हो जाएंगे. ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स, 70 एलिमेंट्स, 110 एलिमेंट्स, 1000 एलिमेंट्स, टाइम टेकन बाय 90 ms, 110 ms, 180 ms, 2 s, और टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम टेकन भी लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम टेकन 127 ms, या आप देख सकते हो ये रोहान ने टेक किए टाइम टेकन. वी कैन सी दैट एट फर्स्ट सुभान एल्गोरिदम वर्क वेल विद द स्मॉलर इनपुट. जो सुभान है उसके एल्गोरिदम में वर्क किए वो भी स्मॉलर इनपुट में. However, आप इंक्रीज कर रहे हो अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड, और रोहान एल्गोरिदम में वो परफॉर्म कर रहे हैं बेटर. सही है, रोहान ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया. क्विक क्विज, हूज एल्गोरिदम इज बेटर? किसका एल्गोरिदम बेटर है? तो अब हम जानते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेंडिंग GTA5 टू अ फ्रेंड. अब हमें सेंड करना है GTA5 अपने फ्रेंड को. तो आप एक केस स्टडी करते हैं. अब इमेजिन करो हमारा एक फ्रेंड है जो हमसे रहता है दूर. यू इमेजिन योर फ्रेंड हैज लिव्स 5 किलोमीटर अभी, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पे है. कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर. मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं कितनी दूरी पे है. 5 किलोमीटर की दूरी पे है
5 किलोमीटर की दूरी भी है अवे, दूर दूर, ये याद रखेंगे, दूर फ्रॉम यू, आपसे दूर है। आपको आपको चाहिए कि आप सेंड करो उसको, यू वॉन्ट टू सेंड हिम अगेन, आप चाहते हो कि मैं उसको गेम सेंड करूं। शायद द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर, मतलब उसकी जो फाइनल एग्जाम्स है ना, जो उसकी फाइनल एग्जाम्स है वो ओवर हो चुके हैं, और आपको एंड यू वॉन्ट हिम टू गेट दिस 60 GB फाइल, आपको चाहिए उसकी 60 GB फाइल वर्थ ऑफ गेम फ्रॉम यू। साइंस ऑल एग्जाम्स आर ओवर और यू वॉन्ट हिम टू गेट दिस 60 GB फाइल वर्थ ऑफ गेम, आपको इस 60 GB फाइल की गेम चाहिए, और हाउ विल यू सेंड इट, आप उसको कैसे सेंड करोगे, क्योंकि वो तो आपकी 5 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। आप इतनी जीमेल है भी, आप जीमेल से भी नहीं कर सकते, आप ये आप सोच रहे हो मैं उसकी घर हार्ड ड्राइव लेके जाऊंगा वो डालेगा फिर हम ले आएंगे। हाउ विल यू सेंड इट टू हिम इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, मतलब बहुत कम से कम टाइम में आप उसको कैसे भेजोगे। होगे नोट दैट बोथ ऑफ यू आर यूजिंग जियो 4G विद अ 1 GB डे लिमिट, मतलब जो दोनों है ना वो यूजिंग कर रहे हैं जियो 4G और 1 GB डेटा दे डेटा लिमिट। द बेस्ट वे है वो बी टू सेंड हिम, जो बेस्ट वे है आप उसको सेंड कर सकोगे बाय डिलीवरिंग इट टू हिज हाउस, आप उसके हाउस जाओ और फिर डिलीवरी करो उस गेम की। तो फिर कॉपी करोगे गेम, हार्ड डिस्क में डालोगे, फिर मेक इट रीच फिजिकल फिजिकल, और फिर विल यू डू द सेम फॉर सेंडिंग सम स्मॉल साइज़ेड गेम लाइक, यही आप करोगे वो भी स्मॉल साइज़ेड गेम में, जैसे कि माइंड स्वीपर विच इज KBs, जो माइंड स्वीपर है उसका जो साइज है वो KBs में। ऑफ कोर्स नो, बिकॉज यू कैन नाउ इजिली सेंड इट वी द इंटरनेट, जो माइंड स्वीपर गेम है वो KBs साइज का है, तो आप आसानी से उसको सेंड कर सकते हो VI इंटरनेट के थ्रू। एज द फाइल साइज ग्रोस, अगर आपकी जैसे कि आप समझे आपकी फाइल का साइज ग्रो हो जाए और वो बहुत टाइम टेकन कर रही है और ये सेंड कर रहे आपकी गेम ओनली इंक्रीजेस लिनरी ON, तो व्हाइल द टाइम टेकन बाय सेंडिंग इट फिजिकली रिमेन्स कंस्टेंट, जो आपका टाइम टेकन है ना जो सेंडिंग कर रहे फिजिकली आपके रिमेन्स कंटेंट को, वो ONO और O1 होगा। कैलकुलेटिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, अब हम जानते हैं, मैंने आपको एक केस स्टडी समझाई थी इसके बारे में। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑर्डर, अब आप ये समझे हमने ऑर्डर किया टू कैलकुलेट द ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक मोस्ट इंपैक्टफुल टर्म है जो कंटेन करता है एन को और टेकन करता है इनटू अकाउंट में। हियर एन रिफर्स टू साइज ऑफ इनपुट, जो रेस्ट ऑफ द स्मॉलर टर्म्स है ना वो इग्नोर हो गए। लेट्स अस अस्यूम, जैसे हम लेट्स अस अस्यूम करते हैं फॉलोइंग फॉर्मूला को, वो भी एल्गोरिदम्स की तरीके से टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। देख सकते हैं ये एक डायग्राम बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं उस डायग्राम को जरा सही तरीके से। ये देखें एल्गो 1 k/1 स्क्वायर प्लस k/n प्लस 36/40/n स्क्वायर, हाईएस्ट जो ऑर्डर टर्म है ना, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो है k/1n स्क्वायर, और जो दूसरा है वो कैन इग्नोर अदर लोअर ऑर्डर टर्म, ये है k^(n+36). एल्गो टू है k^1k² प्लस k^3k² प्लस a² 0n0/01। हियर हमने इग्नोर कर दिया स्मॉल जो टर्म्स है ना वो हमने इग्नोर कर दिए, और जो एल्गो 1 है ना हमने कैरी कर दिया मोस्ट इंपैक्टफुल टर्म में। सही है, विच वॉज द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज, जो स्क्वायर है वो इनपुट साइज का, hence आप जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकेम हो गया n2, और जो सेकेंड एल्गोरिदम है ना ये फॉलो जस्ट कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप नोट करेंगे दीज आर द फॉर्मूलाज, ये एक फॉर्मूलाज है वो भी टाइम टेकन में, वो भी प्रोग्राम के अंदर। वॉट इज बिग ओ, अब मैं आपको बता रहा हूँ बिग ओ क्या है, पुटिंग इट सिंपली बिग ओ स्टैंड आर ऑर्डर ऑफ इन अवर इंडस्ट्री, बट दिस इज प्रेटी डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन, और बिग ओ इन मैथमेटिक्स स्टैंड फॉर ऑल दूस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा प्रोग्राम है ना वर्ड रन करेगा इन, तो बट इन इंडस्ट्री के अंदर हमने आस्क किया कि मिनिमम ऑफ देम, तो दिस वॉज अ सबटल डिफरेंस।
तो अब हम जानते हैं विजुअलाइजिंग बिग ओ क्या है। इफ वी आर टू प्लॉट ओ स्लैश वन एंड ओ एन ऑन अ ग्राफ, सो ही वुड लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का लगेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, लेट टाइम ऊपर, लिनियर ओ एन इधर, कंस्टेंट ओ वन इधर और एन इधर, ये आप देख सकते हो। सो दिस इज वॉट द बेसिक ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये है कुछ बेसिक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। डोंट वरी अबाउट थिंग पासिंग यू बाय, आपको ये कोई परेशानी नहीं लेनी कि आप थिंग्स जो पासिंग कर रहे हो अपने पास से। सो वी लर्न मोर डीपली, हम लोग थोड़ा और अंदर जाएंगे और पढ़ेंगे, वो भी अपने कमिंग अप वीडियोस में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तो क्योंकि अभी हम जो हमारी और वीडियोस आएंगी उसमें हम अंदर तक जाएंगे डीएसए के, और फिर हम आराम से इसको पढ़ेंगे। फॉर नाउ जस्ट टेल मी, थैंक यू फॉर बिगिन टू थ्रो आउट द ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और प्लीज अप्रिशिएट माय मेरे वर्क को, और प्लीज अपने दोस्तों को बता दें कि ये कोर्स है, ये बहुत, मेक श्योर टू डाउनलोड द नोट्स लिंक बिलो, और कोर्स बहुत अच्छा है, अपने दोस्त को तो बता दें। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, सो कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग, सो फॉर टुडे गुड बाय।